हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं बना रही हूँ एक होममेड फेस वैक्स। फेस वैक्स इसे आप बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली कल आरफ को एक फंक्शन में जाना है और जिस सलून से ये अपना वैक्स कराता है वो बंद है, तो इमरजेंसी में मुझे थोड़ा सा घर वाले नुस्खे जो अपनाने कि पड़े। बिल्कुल सेफ़ है आपके फेस के लिए, या फिर कोई भी अगर अपने बॉडी पे यूज़ कर रहा है, फेस पे यूज़ कर रहा है, तो इससे बिल्कुल भी उससे कुछ नुकसान नहीं होने तो वाला। अभी तो मैं एक किस तरह का कैरी बैग लेके, जो थोड़ा सा मतलब थिक होता है, डबल लेयरिंग जिसपे होती है, उससे आप अच्छे से वैक्स स्ट्रिप बना सकते हो और ये बहुत अच्छे तरह से वैक्स करता है। अगर वैक्स स्ट्रिप आपके पास नहीं है तो इमरजेंसी में से यूज़ किया जा सकता है। बहुत सही तरीके से ये हटाता है हमारे अभी हेयर्स मैं को। आपको वैक्स बनाने का पूरा प्रोसेस भी दिखाती हूँ। पहले मैं ये कर रही आई हूँ, एम उसके लिटिल बाद बिट नर्वस। इसको देख के मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है, ये कैची वैची से पता नहीं क्या कर रही है। आज देखते हैं मेरी वैक्स कैसे होती है, किस तरह से मेरी वैक्स करेगी। मेरे को बहुत डर लग रहा है। ये बरखा मेरे कैची उची मत मार देना यार। बरखा देखो आज देसी जुगाड़ अपना कर रही है वैक्स का, और इसने एक झोला था, ये झोला कट के वैक्स स्ट्रिप बनाई है। ये भगवान आज बचा लेना मेरे को, बुलाया। नहीं बुलाया। तो चलो फटाफट से अपना वैक्स बना लेते हैं। तो वैक्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले 2 चम्मच चीनी दो चाहिए। चम्मच चीनी इसलिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है, थोड़ा ही बनाना है। और इसके बाद इसमें आप 2 चम्मच नींबू ऐड करोगे। 2 चम्मच या 3 चम्मच भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नींबू जितना ज़्यादा रहेगा उतनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी आती है। इसके बाद फिर इसमें आप 1 चम्मच पानी ऐड करोगे और इसे देन थोड़ी देर पकाना होता है। इस तरीके से ये होने लगता है, कंटिन्यू चलाना होता है। अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो ये नीचे से जलने लगेगा, तो इसको ऐसे चला के देखना होता है। फिर एक कटोरी में आप अलग से पानी रख लो और इसमें डाल के इसे चेक करोगे, तो अगर ये जेली फॉर्म में हो जा रहा है इट मीन्स आपका वैक्स हो गया है। बट अभी ये थोड़ा सा बिखर रहा है, तो इसका मतलब अभी कम्प्लीटली नहीं हुआ है। अब देखो ये अब हो गया है, क्योंकि ये एक जगह सारी इकट्ठे हो जा रहे हैं ना, आप देखोगे तो ये हाथ में भी आ जाएंगे आपके। थोड़ा सा इस तरह का कंसिस्टेंसी चाहिए होता है ताकि आपका वैक्स अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाए और आपके हेयर्स को अच्छे तरीके से रिमूव कर सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज तो अपनी आँख बंद करो। नहीं मैं ठीक है, बस एक चीज कहना चाह रहा मैं, मेरी इधर दाढ़ी पे और मेरी पलक पे मत लगा देना, बाकी सब ठीक है। तेरे पे बहुत विश्वास कर रहा हूँ उनका मैं। और क्या तू फर्स्ट टाइम कर रही है ये चीज? नहीं, पर अब से चक्कर हो जाओ, हम शांत हो जाओ। और यहाँ इसकी हालत ख़राब थी, ऐसा लग रहा था कि चाकू से मैं वैक्स नहीं इसका मर्डर करने वाली हूँ। इस तरीके से एक्सप्रेशंस दे रहा था। जैसे तैसे खैर इसने ड्रामे के साथ ही सही अपना वैक्स कंप्लीट कराया। अभी लास्ट में मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी पूरे वैक्स का। क्लीन तो कभी आया नहीं बाबा रे, ये तो दर्द मार रहा मैं देख के, मेरी आंखों पे मत गिरा देना। तुम इतना हीलोगे तो क्या होगा, तुम शांति से बैठे रहो ना यार। तुम इतना हीलोगे तो खराब ही होगा अभी। देख फिर गया भाई, देख के यार बरखा। तो तुम मुझे क्यों डाइवर्ट कर रहे हो, तुम शांति से इधर मैं चुप कुछ नहीं डाइवर्ट कर रहा, बट तू इसका ध्यान, तुम बोलोगे तो गिरेगा। तुम बोलो मत कुछ भी, तुम इधर चुपचाप लेटे रहो। और यहाँ बेचारा जान हथेली पे रख के चुपचाप से जैसे बोल रही हूँ उस तरह से करता जा रहा था, एकदम शांति से बैठ गया। किया सांस रुकी पड़ी है इस समय। वैसे यार ये वैक्स है बहुत तगड़ा, आप मतलब ट्राई करना, बहुत अच्छी तरीके से हेयर्स निकालता है ये। और फाइनली मैंने इसका वैक्स कंप्लीट कर दिया है। आप ये देखो, इसने काफ़ी अच्छे तरीके से हेयर रिमूव कर दिया है, पूरा इसके फेस पे काफ़ी हेयर्स आ जाते हैं। तो ये सारे हेयर्स हट चुके हैं इसके फेस से। बस इसके बाद आपको अपने फेस पे थोड़ा सा एलोवेरा जेल अप्लाई कर लेना है या फिर कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेना है। और ये देखो बिल्कुल क्लीन हो चुका है फेस। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। आप सभी अपना ख्याल रखना, बाय बाय।